ओ एलेक्स डाल लिया? नहीं ओलेक्स दोनों गाड़ी रखेंगे। आए दोनों गाड़ी रखेंगे। चलो भाई चेक आ गया भाई, ब्लैंक चेक ले आया लड़का, साइन करके दे देगा, कह रहा जितनी भी जितने की भी होगी ना ले लूंगा। राजा बेटा आ गया है बुक कराने के लिए। राजा बेटा ये चेक लेके आया है बुक कराने के लिए। अभी एक्चुअली में बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, प्रायोरिटी में लग रही है कि प्रायोरिटी के अंदर हमारी लग रही है कि जैसी आएगी और सबसे पहला नंबर लग रहा है। पहले सारे फीचर्स दिखाते हैं। हाँ फीचर्स दिखाते हैं, पहले गाड़ी पूरी दिखा देते हैं, तो फिर बाद में बोला गाड़ी भी नहीं देखी मैं तुमसे। ये देख लो भाई साहब गाड़ी देखो, है कि नहीं देख रहे हो? कहाँ नवीन कहाँ? ये देखो भाई साहब साइड व्यू देखोगे ना तो साइड व्यू भी बहुत बढ़िया है, एकदम मज़ेदार है। लुक एट द साइड व्यू, 4x4 खड़ी है ये। और ख़ास बात मैं बता दूं कि भाई पीछे देखो स्टेपनी कितनी बढ़िया सेक्सी लग रही है, एकदम तो मज़ेदार लग रही है कि नहीं? स्पेस तो भैया मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, दीपन पूरा का पूरा अंदर लेट गया था। तो दीपन जी बुक करा रहे फिर? हाँ। कौन सी ले रहे हैं, कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं? टॉप मॉडल है नहीं? और ये डीजल में ले रहे हैं ना हम 4x4। प्राइस आ गया बाहर? एस्टिमेटेड कितना है? ऐड टू कार्ट हो रहा है सर का। एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड सर हो सकता है 1-2 लाख रुपए ऊपर जाए। मतलब कि मतलब कितना? 25 लाख से तो 27 तक जा सकता है। और ये देख लो भाई साहब ये स्कॉर्पियो और ये भी सेम प्राइस पे। अब यही कन्फ्यूजन हो रही है, मैं इसको कह रहा हूँ कि स्कॉर्पियो ले ले, क्योंकि स्कॉर्पियो देख पहली बात तो 6 सीटर है, 4x4 भी है भरो, देख ले बैठ के। जो प्रीमियम चीज़ है ना इसके अंदर, वो प्रीमियम चीज़ उसके अंदर नहीं आएगी, उसके अंदर अभी भी रॉ ही रहेगी, याद रखिए ये बात। अंदर आके दिखाता हूँ आपको, ये देखो फोर, ये भी 6 सीटर है, ये बढ़िया एकदम मज़ेदार। ये देखो या ये देखो भाई साहब, भाई प्रीमियमनेस देख भाई साहब, लग्जरी चीज़ आई है इसके अंदर, पता है? ये छोटी है। अबे यार ये भाई ये देख ले, ये इनफ है ये, वैसे पता है इनफ है ये, बट तू एक चीज देख इसके सेगमेंट देख कितना प्रीमियम है भाई, ये देख देख ये बढ़िया है ये चीज़ वैसे। और मैं दूसरी चीज़ ना बोलता, सबसे बड़ी चीज़ मेन ये है कि प्राइस सेम है इसकी यार, प्राइस सेम है ब्रो, प्राइस प्राइस देख ना। अब दूसरी चीज़ ये भी तो देख भाई, कैपेसिटी भी तो देख, कैपेसिटी देख ले, 6 सीटर ब्रो, ये 6 सीटर 7 सीटर दोनों है, ये चीज है। और इसकी टेस्ट राइड लेनी तो बाहर खड़ी है। नहीं यार रिक्वायरमेंट अपनी वही फुलफिल कर रही है ना, बस वो भाई वो जो जाट का दिल जहाँ पे आ जाए तो वो क्या ही करेगा भाई। वैसे तो हमारे जाट भाई का ये कहते हैं भाइयों की फेवरेट ये भी है, स्कॉर्पियो एन भी है, लेकिन अब वही है ना लेटेस्ट गाड़ी लेंगे, अगर आईफोन लेने जाएंगे तो फिर अब तो 16 Pro Max ही लेंगे ना, है ना? वो वाली चीज़ आ गई, बेशक बेशक उसमें बेशक 15 के साथ सेम फीचर हो पर लेंगे 16। चलो कोई नहीं, ओलेक्स पे देखेंगे भाई को। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, पसंद तो आ गई है भाई लड़के को ये वाली गाड़ी। आराम से अंदर से दिखाता हूँ पूरी की पूरी गाड़ी, और फीचर्स वगैरह देखते हैं, इंजन क्या पावर देता सब चीज़ें बता देगा भाई, है ना? 90 डिग्री खुलता है पूरा, देख रहे हो पूरा 90 डिग्री खुलता है, फ्लोर ऐसे पीछे का पूरा। बैठ जा पीछे, बैठ जा, बैठ के दिखा पीछे वो सीट स्पेस देख कितना, देख आप देख सकते हो कि स्पेस पूरा है, रिक्लाइनर रिक्लाइन हो जाती है आराम से, और ये आराम से राजा बेटा बैठ के पहाड़ियों पे जाएंगे इसमें, है कि नहीं? बस इनमें एक ड्रॉबैक है कि हर जगह है ना ये, हाँ ये थोड़ा छोटा दिया है, छोटा दिया है। टॉप मॉडल में भी ऐसा ही है? ये टॉप मॉडल है जब तो बैठा, ये पेट्रोल है या डीजल है? ये डीजल है। तो फिर पैसे ले लो फिर, 4x4 है। हाँ पैसे ले लो फिर, यही तो चाहिए हमारे को। ये डिलीवरी आ गई पहली, पहली डिलीवरी, ये क्या बात है। अंदर से देख लेते, मैं दिखाया था भाई अंदर से, प्रीमियम है भाई गाड़ी, प्रीमियम एकदम बढ़िया, हर एक चीज़ लगा के दी है, परफेक्ट मज़ेदार है। तो भाई वैसे ऑफिशियली जो बुकिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है? 3 अक्टूबर से हो रही है। और अब जो ये हमने जो प्रेफरेंस ऐड किया उसका बेनिफिट मिलेगा कुछ? बेनिफिट रहता है ये सर, इजी टू बुक अपना प्रोसेस हो जाता है। अच्छा उस टाइम पे आपको पेमेंट ही करनी पड़ती है। हाँ पेमेंट के बाद में जो है इजीली बुक हो जाती है। अब ये हम लाजपत नगर ब्रांच में है, ये नवीन भाई साहब है हमारे, मैंने इनसे ली थी। और ये बताओ मेरे को कि अपना यहाँ टेस्ट ड्राइव के लिए कब आएगी? टेस्ट ड्राइव सर कल आएगी।
आई थी हमारे पास में, अच्छा ऑफिशियली स्टार्ट हो गई है। हाँ। बट कार हमारे पास लिमिटेड ही है तो हमारे अच्छा में आती है, हम शिफ्ट कर रहे हैं डे बाय डे। कल हमारे पास फिर से टेस्ट ड्राइव के लिए व्हीकल होगा यहाँ पे, तो भाई साहब शोरूम देख सकते हो आपको यहाँ पे महिंद्रा की सारी गाड़ियाँ मिल जाएगी। क्या कह रहे हैं स्टार्ट करके देखनी है? अच्छा वही इग्निशन वगैरह देखना चाहो, ठीक है भाई। ये हॉर्न था गाड़ी का बढ़िया वाला, ये इसके अंदर चाबी क्यों दे रही है? ये तो पुश स्टार्ट है, पुश स्टार्ट है, इसके अंदर सेंसर होता है, गाड़ी के अंदर की कीज रहेंगी तभी जो आपका वो जो पुश स्टार्ट बटन है वो वर्क करेगा। अच्छा तो वैसे की दे रही है तो की के लिए भी जगह है? की के लिए भी सिर्फ जगह है, डोर अगर अच्छा इसके कलर है, उसके बैटरी डेड हो जाता है। अच्छा डोर डोर खोलने के लिए हो चला। इसके अंदर ऐसा कुछ ऐप भी है जो और कंपनीज दे रही है जैसे महिंद्रा ऐप? तो वन में और टू में कितना डिफरेंस है? वन और टू में सर आपके जैसे लेन की असिस्ट हो गया, स्टीयरिंग जो उसके अंदर हैप्टिक फीडबैक आते हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से वो लेवल टू कहलाते हैं। फीचर है कि तेरे को कम रेडियस पे काटनी है ना, जगह नहीं है, आगे के जो दोनों टायर लॉक हो जाते हैं पीछे से गाड़ी घूम जाती है। एक इसमें फीचर आया है इंटेली टर्न असिस्ट, तो उसमें क्या होता है अगर आपकी बहुत शार्प टर्न आ रही है तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका जो टर्निंग रेडियस है उसको कम करने के लिए जो इनर व्हील होता है इनर रियर व्हील वो लॉक हो जाता है। अच्छा ये लॉक हो जाता है, जो तीनों टायर होते हैं तो ये तो भाई ऑफ रोडिंग में ज्यादा काम आता है। अब आराम से अंदर बैठते हैं और दिखाते हैं भाई आपको अंदर से फीचर। गाड़ी चालू कर रहे हैं भाई, डिलीवरी हो गई है। वैसे भी जोन सा मॉडल लेना वही मॉडल है। कलर कौन सा लेना तेरे को? ब्लैक कलर मिलेगा, बढ़िया। अब देख अब तेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहा? हाँ सही है, बढ़िया है। सनरूफ तो भाई बहुत बड़ा, वाकई में कह रहा हूँ पीछे से गाड़ी भी लंबी हो चुकी है एक्चुअली में, और आराम से मैं कह रहा हूँ भाई इसमें ना पीछे पतले वाले और आगे दो पांच बंदे आ जाएंगे बढ़िया से। ये लो जी सनरूफ खुल गया, बढ़िया भाई बुकिंग हो गई। फिर ये देखो भाई कैमरा 360 डिग्री कैमरा ना, 360 डिग्री कैमरा से यहाँ पे बटन है, पर्टिकुलर डेडिकेटेड बटन दिया है। यही तो चाहिए था मेरे को थार के अंदर, तो मिला नहीं। एक जो इसका अंदर का स्टाइलिंग फैक्टर है आप देख सकते हैं, जो इसका IRBM है वो फ्रेमलेस है। अच्छा समझ गया, बहुत बढ़िया यार। इसके अंदर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, महिंद्रा ने सिग्नेचर इसके अंदर जो है प्लेट इनबिल्ट किया, जहाँ पे आप गाड़ी का सीरियल नंबर देख सकते हैं कि गाड़ी जो है गाड़ी का सीरियल नंबर क्या है, एक्चुअली कौन सा मेड है। तो ये सब जो एक्सेसरीज लगाई हुई है ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है? नहीं इनबिल्ट है ये सब, इनबिल्ट है ये भी इनबिल्ट है। पहले बी पिलर्स में एंड वो नहीं आते थे, डोर हैंडल नहीं आते। अब आपके बी पिलर्स में और रियर में आप देख सकते हैं डोर हैंडल दिए गए हैं, अंदर भी हार्ड है, वो करते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट होती है वो, ठीक है। पर ऊपर शीशा आ गया ना, बस ठीक है, लो बंद हो गई भाई। अब गाड़ी सड़ कर निकलते पहाड़ों पे, ये तो यही ले जाते टेस्ट ड्राइव के लिए, मनाली होके आ रहे हम, ठीक है। ये देखना ये तो होल्डर दे रखे है, कल वो कह रहा था अंकल कह रहे थे कि इसमें है नहीं होल्डर, ये देखना होल्डर है स्कॉर्पियो में पार्किंग वो है, इसके अंदर तो पुश बटन वाला आ गया ना सारा कुछ, और सी टाइप भी दे रखा है, सी टाइप भी है, सी टाइप भी है और दूसरा नॉर्मल भी है। अच्छा फास्ट चार्जिंग है, वाह भाई वाह, 65 वाट का आ गया सी टाइप का। ये स्लाइड हो जाता है, ये भी एकदम बढ़िया है, आर्म रेस्ट बढ़िया, वेंटिलेटेड सीट से आपके दोनों के आपको फ्रंट दोनों वेंटिलेटेड कर दिए, फ्रंट टू आपके वेंटिलेटेड, क्या बात है। ये वाला वायरलेस पैड है आपका। अच्छा इसका अपडेट कब आएगा उसका वाला, ये क्या बोलते हैं, ये लो भाई एप्पल कार प्ले, अभी इसमें एंड्रॉइड कार प्ले है, एप्पल कार प्ले का ये किसी भी वक्त वो ड्रॉप हो सकता है, एनी टाइम जोन कभी भी आ जाएगा, और वैसे डिलीवरी लेने के बाद अगर आता तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, समझा। ये देखो ना ये यहाँ पे ट्विटर दे रखा है, यहाँ पे भला ना एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी हुई, हर एक चीज उसी में दे रखी है। ये भाई उसमें आएगा, ये क्या कहते हैं, कितने 9 स्पीकर है, 9 स्पीकर है सर, 4 स्पीकर 4 ट्विटर और 1 सबवूफर है इसके अंदर। क्या बात है भाई, मतलब मेरे ख्याल से लेने के बाद करोल बाग नहीं जाना? नहीं करोल बाग जाने नहीं देंगे सर। क्या बात है, करोल बाग नहीं जाएगी गाड़ी, मतलब लाइटें और ऑन करके देखें? हां बिल्कुल ऑन करके देखें, लेकिन अभी सर लाइट है बाहर, नजर नहीं आएगी ना, सही नजर नहीं आएगी, पर मेरे को लगता है लाइटें भी बाहर से चेंज कराने की जरूरत है। नहीं नहीं भाई तेज है वो, तो एक्स्ट्रा लग जाती है पर वैसे तेज है। हां ये ये देखो भाई साहब टॉप व्यू एकदम बढ़िया, वो भी वो वाली है LED वाली है ना,
भाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी है और वो पूरी रिंग वाली इस पे लगी हुई है, बढ़िया। और आगे का ग्रिल भी बहुत बढ़िया है, चेंज कराने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये समझ लो कि अगर आपने थार रॉस ले ली तो आप करोल बाग नहीं जाने वाले, अगर जाओगे तो फिर वो कुछ एक्स्ट्रा ही लगवाओगे, बट जरूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली में। फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी जा रही है फॉर प्री बुकिंग के लिए। और भाई कितना ये प्री बुकिंग के लिए चेक कितने का ले रहे हो? चेक नहीं ले रहे हो? अभी ऐड टू कार्ट हो रहा है ऑनलाइन डिजिटल। अच्छा तो अभी चेक नहीं लोगे? 3 तारीख को ही लोगे चेक। शोरूम से बाहर आ चुके हैं, अब जा रहे हैं शूट पे। और आपको बता दे भाई कि ये पहाड़ बुला रहे हैं शायद हमारे को पहाड़, लेकिन इस बार जाएंगे स्पीटी 4x4 में, थार रॉक्स में जाएंगे इस बार। ठीक है जी, चले चलो भाई।